और भैया के पास चलते हैं और भैया के पास एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो चलते हैं भैया के पास और भैया से सारी चीज़ें पूछेंगे। तब तक दोस्तों आप लोगों को हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम बता दीजिए भैया, अमन नाम है। अच्छा, अगर एज अ व्यूअर कोई आना चाहता है तो भैया आप अपनी दुकान पर बता दो कि ऐसी तीन खास चीज़ क्या है जो यहाँ लोग आके खाना पसंद करेंगे। एक तो हमारे तंदूरी, जोर से बोलिए थोड़ा, एक तो हमारे तंदूर का आइटम है। अच्छा, वो तंदूरी मोमोज। ठीक है, इस रोड पे मतलब बहुत पहले से हम लेके आए थे। ठीक है, हमसे पहले यहाँ पर और कोई लाया नहीं आता है। ठीक है, और वो बिगेस्ट होते हैं, मतलब जो रेगुलर साइज होता है ना उससे सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो भैया ने बताया किस तरीके से जो तंदूरी मोमोज है, इस पूरे एरिया में भैया बता रहे हैं कि यहाँ ये लोग लेके आए थे और इन्होंने इन्वेंट किया था। और साइज आपको दिखाएंगे तंदूरी मोमोज का क्या रहता है, प्राइस जो रहता है, वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे भैया से। और भैया दूसरा आइटम आप बता दो तो क्या था आपका? जैसे कि मेन कोर्स में ग्रेवी का आइटम है। ठीक है, चिकन है। अच्छा, बटर चिकन है, कढ़ाई चिकन है, ये एक तो आइटम है जो हमारे मतलब मैक्सिमम सेलिंग आइटम है। बटर चिकन में, बटर चिकन का प्राइस क्या रहता है? बटर चिकन क्वार्टर है 190 का। ठीक है, हाफ 300 का है। अच्छा, और फुल 500 का है। फुल 500 का है। और तीसरा आइटम अगर कोई आना चाहता है और तीसरा आइटम अगर खाना पसंद करता है तो तीसरा आइटम बता दीजिए। आपको सजेस्ट करूंगा चाइनीज में आप ट्राई कर सकते हैं। क्या चीज? जैसे चाइनीज में आप चिल्ली चिकन ट्राई कर सकते हैं, नूडल्स ट्राई कर सकते हैं हमारे। ठीक है, और बाकी चॉपसी भी है हमारे पास। और मैंने सुना कि भैया यहाँ का आपका, आप लोगों का यहाँ रोल बहुत फेमस है, रोल में कौन सा? रोल काठी रोल हमारे, जैसे नॉन वेज में चिकन रोल है। अच्छा, और वेज में जैसे कि पनीर रोल और सोया चाप रोल। ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो भैया ने बताया, तो दोस्तों हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना टाइम निकाल के भैया की दुकान पर आ सकते हो दुकान। तो आइए दोस्तों, भैया मैंने आपको बताया जिस तरीके से भैया के दुकान पर भैया ने बताया दो या तीन चीज भैया की दुकान पर खास फेमस है। अगर आप आना चाहते हो तो भैया की दुकान पर ये चीज आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि भैया की दुकान पर खास चीज है। और सबसे पहले भैया से जान लेते हैं, भैया क्या आपका नाम, एक बार अपना नाम बता देते। सूरज। अच्छा, क्या बनाने जा रहे हो भैया? बटर चिकन। तो आइए दोस्तों देखते हैं बटर चिकन भैया के पास बन रहा है और किस तरीके से रेडी करते हैं भैया रेसिपी, वो आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक। भैया किस तरीके से भैया ने अपना खुद का सामान डाल रखा है और खुद का ही सारी चीज़ें इन्होंने भैया ने यूज़ करा और भैया के खुद का पर्सनल है, तो ये मसाला इन्होंने भैया ने खुद का डाल दिया है। और देखते हैं आपको बटर चिकन किस तरीके से बनके रेडी होगा, वो सारी चीज़ें आप दोस्तों देखते रहिए। आप देख सकते हो भैया ने किस तरीके से रेडी कर लिया और देख सकते हैं किस तरीके से भैया ने काम किया। इसका क्वार्टर है ये। दोस्तों
नूरी शेफ के पास, और किस तरीके से भैया की साइज है मोमोज का वो सारी चीजें हम दिखाएंगे, और किस तरीके से बनेगा वो भी चीजें आपको दिखाएंगे। तो एक बार भैया अपना मोमोज का साइज दिखा दीजिए किस तरीके का है। ये देख लीजिए भैया का साइज मोमोज का किस तरीके का है, जिस तरीके से भैया ने बताया इस एरिया में कितना बड़ा मोमोज का साइज है आप देख सकते हो दोस्तों, पास से आप साइज देख सकते हो। ये भैया सिर्फ क्वार्टर है या हाफ है? ये सर हाफ है। ये हाफ है। इसका प्राइस क्या रहता है? 70 रुपीज है। तो देख सकते हैं किस तरीके से और किस तरीके से बन के तैयार होगा। आइए चलते हैं मेकिंग करके आपको दिखाते हैं भैया। पूरे में चलते हैं, पूरा तैयार होगा तो देख सकते हैं भैया किस तरीके से रेडी कर रहे हैं। तो चलते हैं भैया के पास और दिखाते हैं। और 5 से 7 मिनट में बनके रेडी हो गया और बाकी ये मसाला तैयार हो गया। आप सामने से आप देख सकते हैं, जब हमारी प्लेटें लगेगी तब मैं आपको दिखाता हूँ पूरी प्लेट। तो देख सकते हो भैया किस तरीके से भैया ने फाइनली रेडी कर दिया। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने आपको रेसिपी बताया, भैया ने तैयार कर दिया तंदूरी मोमोज। और ये आप साइज़ देख सकते हो किस तरीके से, और भैया ने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली वो ऊपर से आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मेयोनीज़ भी डाल दिया, क्रीम भी डाल दिया जिस तरीके से भैया है, और ये सारी चीज़ें जो भैया ने मसाला यूज़ करा है भैया ने खुद का अपना देसी स्टाइल का यूज़ कर रखा है। और बहुत अच्छे क्वांटिटी में आप साइज़ देख सकते हो किस तरीके से भाई, 70 रुपये में दिल्ली NCR में अपना टाइम निकाल के भैया की दुकान पर आप आ सकते हो। मोमोज अगर खाने पीने के आप लोग शौकीन हो या अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हो तो आप लोग आइए। तो चलते हैं भैया की दुकान पर और टेस्ट करके आपको बताते हैं सारी चीज़ें भैया की दुकान पर। और आइटम हमने ले रखा है, सबसे पहले मैंने भैया के पास ऑर्डर करा था तंदूरी चिकन मोमोज का, और किस तरीके से टेस्ट है ये आपको टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैंने बाइट करते हैं और चटनी लगा के आपको टेस्ट करता हूँ, और किस तरीके का भैया की दुकान पर टेस्ट हो रहा है वो आपको बताता हूँ कि भैया की दुकान पर किस तरीके का दोस्तों टेस्ट हो रहा है। साइज़ के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बढ़िया हो रहा है। और दोस्तों अपना टाइम निकाल के अगर आप आना चाहते हो तो भैया की दुकान पर आओ। इतनी अच्छे से दोस्तों स्टफिंग हो रखी है, आप स्टफिंग देख सकते हो किस तरीके से भैया ने डाल रखा है। आइए दोस्तों मैं आपको पास से दिखाता हूँ भैया ने किस तरीके से सारा सामान यूज़ कर रखा है, और ये सारे भैया के खुद के दुकान पर खुद का पर्सनल मसाला डाल रखा है, और जिस तरीके से भैया ने यूज़ कर रखा है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डाल रखा है। तो दोस्तों अपना वीकेंड में अगर टाइम निकाल के आना चाहते हो या वैसे खाली टाइम में आना चाह सकते हो फैमिली, डबल एग रोल तो भैया की दुकान पर डबल एग रोल है, और डबल एग रोल मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ भैया की दुकान पर किस तरीके का हो रहा है। सबसे पहले आप अंदर से स्टफिंग देख सकते हो भैया की दुकान पर किस तरीके से सामान डाल रखा है। सामान इस तरीके से भैया ने क्या क्या डाल रखा है एक बार सामान बता देते भैया। इसमें ऑनियन, कैप्सिकम, अच्छा, चुकंदर, गाजर, ठीक है। तो देख सकते हो भैया, और प्राइस क्या रहता है इसका? डबल एग रोल 50 रुपी रहता है मात्र दोस्त, 50 रुपी रहता है। तो प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बजट में है, तो प्राइस नॉर्मल है और रीजनेबल प्राइस में आपको दिख सकते हैं किस तरीके का साइज है। तो आपको मैंने आपको बताया, अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ भैया की दुकान पे किस तरीके का दोस्त टेस्ट हो। तो ये दोस्तों मैंने टेस्ट करने जा रहा हूँ, और अब टेस्ट करके आपको बताएंगे किस तरीके से भैया की दुकान पे टेस्ट हो रहा है। और टेस्ट कर दोस्तों इतना ज़्यादा बढ़िया लग रखा है, टेस्ट इतना अच्छा हो रहा है कि दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। और क्रिस्पनेस की जिस तरीके से बात कर सकते हैं, क्रिस्पनेस भैया ने कर रखा है, और मज़ा आने वाली चीज़ होती है ना जिस तरीके से, आपको बहुत मज़ा आएगा टेस्ट के मामले में। दोस्तों अपना खाली टाइम निकाल के आइए, टेस्ट बहुत चीज़ बढ़िया हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने टेस्ट करा, एक एक चीज़ मैंने आपको टेस्ट करके बताया। क्रिस्पनेस जिस तरीके का होता है, सॉफ्टनेस होता है, जिस तरीके से भैया ने सॉफ्टनेस कर रखा है एग रोल में, जिस तरीके से सॉफ्टनेस चाहिए होता है। और चटनी साथ में मैंने आपको दिखाया, भैया ने चटनी बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है, और बहुत बढ़िया हो रहा है जिस तरीके से चाहिए होता है ना, क्रिस्पनेस प्लस ऑथेंटिसिटी, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग अपना आते हैं और चलते हैं भैया की दुकान पर। अब हमारा फाइनल आइटम जो है टेस्ट करके आप दिखाएंगे, बटर चिकन। ये देखिए किस तरीके से भैया के पास लेग पीस हो रहा है। लेग पीस में आपको मसाला दिखाता हूँ पास से, ये देखिए किस तरीके से भैया ने मसाला डाल रखा है। और ये देखिए जानदार, जिस तरीके से भैया चाहिए होता है क्रिस्पनेस, जिस तरीके से दिल्ली वाले को पसंद होता है ना भाई, जिस तरीके से दिल्ली वाले पसंद करते हैं भाई, कई लोग जो है भाई चांदनी चौक जाते हैं या इधर उधर चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, अपने साउथ दिल्ली में अपना टाइम निकाल के आओ और भैया के पास आओ तो बहुत बढ़िया टेस्ट हो रहा है। आप अपना टाइम निकाल के आ सकते हो भैया की दुकान पर और टेस्ट करके जाओ। चलते हैं भैया, जिस तरीके से मैं रिव्यू दे रहा था एक बार भैया साथ में मिले, तो भैया से जानते हैं कि भैया की दुकान पर किस तरीके से टेस्ट होता है खाने में, चाहे आप कोई भी चीज़ भैया की दुकान पर उठा के देख सकते हो। सबसे पहले भैया अपना नाम बता देते हैं। मेरा नाम हिमांशु बंसल।
हिमांशु बंसल, कितना टाइम हो गया भैया आपको दुकान पर आते हुए? भैया की दुकान पर आपने क्या क्या चीजें खा रखी है? एवरीथिंग सब कुछ खा रखा है। अच्छा, तंदूरी मोमोज बहुत बढ़िया है भैया की दुकान पर। तंदूरी मोमोज जो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अच्छा, और बता तंदूरी मोमोज के अलावा बाकी सारी चीज एवरीथिंग एंड रोल भी खाते हैं, डबल एग रोल, ठीक है, परफेक्ट ठीक है जो खाने में, और रेट भी बहुत कम है यहाँ रीजनेबल प्राइस में। जिस तरीके से भैया ने बताया कि आपको सारी चीजें मिल जाएगा, तो दोस्तों आप आ सकते हैं। एक भैया मिले थे और भैया ने बताया कि भैया 5 या 6 साल से आ रहे हैं, और टेस्ट के मामले में दोस्तों मैंने आपको बताया टेस्ट जिस तरीके से हो रहा है परफेक्ट खुद बता रहे हैं। एक एक चीज़ जो है भैया की दुकान पे, चाहे आप एग रोल लेना चाहते हो एग रोल ले सकते हैं, चिकन का आइटम आप चिकन का आइटम खा सकते हैं, तंदूरी मोमोज का आइटम लेना चाहते हैं तो तंदूरी का आइटम भी आप ले सकते हैं। और सारी चीज़ में भैया ने बताया कि बहुत बढ़िया हो रहा है, तो दोस्तों सारी चीज़ें बढ़िया होती है भैया की दुकान पर। और दोस्तों हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।